चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिस फिल्म का ट्रेलर का इंतजार भोजपुरिया दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार उस फिल्म का ट्रेलर आज जारी कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी अभिनीत भोजपुरी मूवी नागदेव के बारे में। आपको बता दें कि नागदेव का ट्रेलर आज यानी कि 16 अक्टूबर को एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरिया दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेलर को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर 4 मिनट 43 सेकंड का है, जिसमें खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी नागनागिन के अवतार में नजर आ रहे हैं। यानी कि नागदेव में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का नागनागिन के अवतार में भोजपुरिया दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। साथ ही साथ अवधेश मिश्रा अपने विलन के अवतार में सपेरे की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को ट्रेलर में काफी ज्यादा रोमांचित करता है। नागदेव के ट्रेलर में एक खास बात और भी है कि इस फिल्म में VFX का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करेगा। फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी पर भी जोरदार आइटम तड़का फिल्माया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करेगा। कुल मिला के कहा जाए तो ट्रेलर में वो सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरिया दर्शकों को पसंद आती है। अगर आप लोगों ने अभी तक नागदेव का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर नागदेव का ट्रेलर जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नागदेव में खेसारी या काजल राघवानी के साथ साथ अवधेश मिश्रा में से सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है।